हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सिंपल इजी मेकअप लुक 10 मिनट में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपने फेस को फेस वॉश करेंगे, उसके बाद मैंने ओली फ्लेम का फेस प्राइमर लगाया है। फेस प्राइमर लगा के इसको अच्छे से अपने फेस पे अपने फिंगरों से अप्लाई करेंगे। फेस प्राइमर लगाने से फेस स्मूथ और सॉफ्ट हो जाता है, मेकअप करने में आसानी होती है। इसके बाद मैंने मेबलिन का फाउंडेशन लिया है, लिक्विड फाउंडेशन, मैट फाउंडेशन है ये। मैंने अपने स्किन टोन से एक टोन लाइट लिया है, आप लोग अपने स्किन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। फिर मैंने इसको ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फेस पे स्मच करके अच्छे से अप्लाई किया है। इसके बाद मैंने मेबलिन का फेस पाउडर लगाया अपने फेस पे फाउंडेशन को सेट करने के लिए। इसके बाद मैंने आई शेडो पैलेट में से ब्लैक आई शेडो लिया है अपने आईब्रो को फिल करने के लिए। हल्का हल्का लेके हम ब्रश से इसको फिल करेंगे। दोनों आईब्रोज को फिल कर लेंगे। उसके बाद मैंने आईब्रो ब्रश से आईब्रो को सेट किया है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों आईब्रोज को सेट कर लिया आईब्रो ब्रश से। इसके बाद मैं आई शेडो पैलेट में से सिल्वर एंड पीच कलर को दोनों को मिक्स करके अपने आई शेडो आई पे आई शेडो अप्लाई करूँगी। दोनों आई पे मैंने अप्लाई किया है, ये देखिए। इसके बाद मैंने मेबलिन का मैट काजल यूज़ किया है, ये काजल बहुत अच्छा है। ये एक बार लगाने के बाद ये बिल्कुल सेट हो जाता है। ये शिवाना का हाइलाइटर है। फिर मैंने पीच कलर का लेके अपने लोअर लैशेस को हल्का हल्का फिल किया है। ये मैंने लूज पाउडर लिया अपने पूरे मेकअप को सेट करने के लिए। शिवाना का लूज पाउडर है ये। आप घर में कोई भी लूज पाउडर हो, बेबी का पाउडर हो, आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे वाइट टोन पाउडर हो, जॉनसन बेबी पाउडर हो, आप यूज़ कर सकते हैं। पूरे फेस पे मैंने इसको सेट कर लिया है लूज पाउडर से। मैंने ब्रश से इसको अच्छे से सेट कर लिया, ये देखिए फ्रेंड्स। इसके बाद मैंने शिवाना का हाइलाइटर लेके अपने नोज को हाइलाइट किया, पीच कलर के नोज को हाइलाइट किया, आईब्रोज के ऊपर हल्का हल्का हाइलाइट किया। उसके बाद फिर अपने चिक जोन को हाइलाइट करूँगी, ये देखिए।
फिर मैंने ब्लैक लिप लाइनर लिया, फिर अपने लिप को फिल करूँगी लाइनर से। इसके बाद मैंने L18 का लिपस्टिक यूज़ किया है, डार्क से थोड़ा लाइट मैरून शेड है L18 का। तो गाइस पूरा मेकअप करने के बाद आप लोगों को मेरा मेकअप पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा अगर आप लोगों को मेरा मेकअप अच्छा लगा तो। थैंक यू सो मच। इसके बाद मैंने मेकअप फिक्सर यूज़ किया अपने मेकअप को फिक्स करने के लिए। ये सिल्वर इयररिंग्स हैं, ये देखिए, ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया था। फिर फ्रेंड्स एक चीज़ नोटिस करिएगा आप लोग, जो मैंने टीका लगाया है वो इयररिंग्स है मेरा 3 लेयर्स का, उसको मैंने 1 लेयर्स करके अपने टीके को एडजस्ट किया है। ये देखिए ये इयररिंग्स हैं, ये देखिए फ्रेंड्स फाइनली मेरा मेकअप प्रिपेयर्ड हो गया। तो आप लोगों को कैसा लगा मेरा मेकअप प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा, मेरे चैनल को लाइक करिएगा अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो। थैंक यू सो मच।